अच्छा बाबूजी, हम भोजपुरी बिरहा लोकगीत गायक चंदनलाल यादव, उजाला फिल्म्स उमेश गाजीपुरिया जी के सौजन्य से हमारे हारमोनियम पर ढुकू भैया जी, ढोलक पर सुरेंद्र भैया जी और बेंजू पर रविंद्र भैया और ईश्वर चंद्र, रामचंद्र और रिकॉर्डिंग पर हमारे पीके कबीर जी और अनिल अंचल जी, चार लाइन भूमिका में कहना है। मसल देंगे घुस पैठ बिच्छू के डंक को, देखे बाबूजी मैं ये बिरहा गाने जा रहा हूँ जो हाल ही का घटना है। 3 मई 2020 रविवार के दिन जवन जम्मू कश्मीर के हंतवाड़ा में हमला भइल है, उस हमले में हमारे 5 जवान शहीद हो गए। कई जन से कहना है बिरहा में कौनो गजल का नमूना है। अरे निकाल लोगी मेरा कलेजा, अरे निकाल लोगी मेरा कलेजा, ऐसा का जल लगा लिया है। अरे निकाल लोगी मेरा कलेजा, अरे निकाल लोगी मेरा कलेजा, अरे ऐसा काजल लगा लिया है। होठ गुलाबी नैन शराबी, होठ गुलाबी नैन शराबी, सबको पागल बना दिया है। लेकिन कवि जी लिखते हैं उन वीरों के लिए, कैसे कि अरे देशभक्त वीरों के रग में, अरे देशभक्त वीरों के रग में स्वाभिमानी खून भरा है।
देशभक्त वीरों के रग में, अरे स्वाभिमानी खून भरा है, अरे स्वाभिमानी खून भरा है, अरे वतन है तुमर मिटने वाला, हाँ वतन है तुमर मिटने वाला, जौहर जोश जुनून भरा है। जैसे जौहरी छंद का नजम लगल, कभी गीदड़ की धमकी से कांपे न शेर का बच्चा, जानता बात जग सारा कि कौन है किससे सच्चा, गाजीपुर जिला निराला वीरों का घराना नामी, जो लड़ाई आजादी खातिर स्वीकारे नहीं गुलामी, जहां नुनहरा थाना चक दाऊद की है कहा, गरीब राम सिंह यादव करते मेहनत से किसानी, दिन बेटा दिया विधाता अश्वनी अंजनी मुलायम, बात के समझ लिए बाबू। गाजीपुर जिला में नुनहरा थाना के अंतर्गत एक गांव पड़ेला, जौने गांव का नाम चकदाऊद बतावल गई। वही चकदाऊद के रहे वाला राम सिंह यादव, जेकर तीन थे बेटवा हुआ, परिवार बहुत गरीबी में पलत भाई है बाबू। देखे तीन बेटवा में जोने में सबसे बड़ अश्वनी यादव अंजनी मुलायम, तीनों बेटवन के पोषत पालत हुआ, पढ़ाई लिखाई करावत हुआ राम सिंह यादव। लेकिन धीरे धीरे ईसुख मालिक के ना देखल गई। देखिए बाबूजी, कुछ दिन के बाद समय व्यतीत भइल, राम सिंह यादव इस दुनिया को छोड़ करके चल बसे। जब ये दुनिया के छोड़ के चल गए ने बाबू, तो उनकर पत्नी लालमुनी विधवा बन गई। आंख में आंसू लेके रोत बाणी कि आखिरकार अब हमनी के जिंदगी की के भरण पोषण करी। जे सहारा रहा आज मालिक, वो सहारा के छिन लेलन, मालिक से उलाना देती है, कहती है क्या मालिक कवन कसूर रहल कि आज हमारा सुहाग उजाड़ दला, हम अपन तीनों बेटवन के लेके अके करे सहारे रहब। देखिए बाबूजी, बचपन से ही हिम्मत वाला अश्वनी है, अपने माई के समझावे हो बाबू, कहे कि माई तू चिंता मत करे माई, अरे हमनी के तीनों भाई बानी जाना, एक राम सिंह यादव मर गए ना, तो राखी के सामने अभी तीन तीन गो राम सिंह यादव पड़ल हुआ,
आंख के आंसू बंद कर ले रे माई, तोर बुढ़ापा का लाठी हमनी अभी तीन जना बानी जा। कलश की माई, हम जब बड़ होइब ना तो फौज के नौकरी करब, आ तोरा के कबो कोनो चीज के दिक्कत ना होई रे माई। माई अपने बेटवा के हिम्मत देखलस, अपन गम के भुला गए बाबू। जब गम के भुला गए तो धीरे धीरे भइल का बिरह में एक लाइन गीत का लाइन है। कौनो दुल्ही कहती अपने दुल्हा से, बानी तबाह तू छोड़े लाना बाह खाली खिचल चाहे लाया चरा के, बानी तबाह तू छोड़े लाना बाह खाली खिचल चाहे लाया चरा के, कहे बड़ा उखमा जल सैया लड़का खेलाई की तुहरा के, कहे बड़ा उखमा जल सैया लड़का खेलाई तुहरा। इरादा साज आई 2005 आई चमके पनिया चढ़ल जवनिया के, सीआरपीएफ में भर्ती भइले चमके वरदिया बदनिया पे, सीआरपीएफ में भर्ती भइले बदनिया पे। देखे बाबूजी वह दिन भी करीब आ गया जिसका बरसों से इंतजार था। अश्वनी कुमार का मेहनत रंग लाइल, नौजवान भर्ती हो गए सीआरपीएफ में। जब सीआरपीएफ में भर्ती हो गए लन तो कहना है धीरे धीरे बानी गईले बिगड़ाल काम हो, गौवा जवारिया में हो गईले नाम हो, भरती भइले सोहे वरदिया बदनिया पे, सीआरपीएफ में भरती भइले। देखे बाबूजी अश्वनी कुमार यादव फौज में भर्ती हो गए, सीआरपीएफ में भर्ती हो जाता है नौजवान। ये बाबू बतावल जाला कि जब इस शरीरिया पर वर्दिया चढ़े ले तो नौजवानन के एगो अलगे रुआब हो जाला, जोश होश दोनों बढ़ जाला। सीआरपीएफ में जब भर्ती हो गया नौजवान तो बतावल जाला कि जब तक बिगड़ल रहेला दिन जब तक खराब रहेला ये बाबू केहू ना पूछेला, और जब दिन बन जाला तो चारों तरफ से लोग दौड़े लगी हन, जहां रिश्ता ना रही वहां भी रिश्ता बनावे की तैयारी कर लेंगे। तो देखे तिलकारू द्वार खाज डाला, अश्वनी कुमार यादव कहा कि उनके मतारी से कहें कि अपने बेटवा का शादी कर दो। बहुत काला के बाद मतारी मान गई और अश्वनी कुमार यादव का शादी का दिन रखा गई। जब शादी का दिन रखा गई तो कहना यहाँ बिरह में गीत कलाई है। कौनो दुल्ही अपना दुल्हा से कहतिया, दुल्हावा कलश की ए हेने सुना
सुलैया कलश का भाई, तू तो ऐसा कर देले बड़ा कि हमार पूरा शरीर फोर फोर दुखात बा। कलश क्यों का तो बतावत ही गतरे गतरे टूटे ले बहिया नस नस उठे लहारिया कमरिया राजा दाबिद कमरिया दाबिद कमरिया देखे जब शादी का दिन रखा गई तो यहाँ सजत बरात कैसे अश्विनी कुमार यादव का बरात सज के चल दलस चकदाऊद गांव से बलिया और चल दलस बलिया में गांधीनगर। गांधीनगर में जब बरात पहुंचल तब बाजा गजा के साथ पूरे बराती भी नाचत गावत जात हुवन। जब दरवाजा पर बरात पहुंचल बरतिया लोग के मीठा पानी पियौले के बाद में दुर पूजा लागल, दुर पूजा भी समाप्त हो गई। धीरे धीरे बरात दुल्हा के लेके माड़ो में पहुंच गई। जब माड़ो में पहुंच गए बाबू शादी होवे लगल, चारों तरफ से लोग बैठ के माड़ो में अपन खुशी का माहौल में बैठल हुवन, मजा लेत हुवन। शादी ब्याह का कार्यक्रम भी संपन्न हो गई। अश्विनी कुमार यादव अपने दुल्हन को लेकर के चल लेते हैं, दुल्हन विदा हो गई और जब लेकर के चल दिया तो यहाँ बिरहा में टेरी का लाइन लगल। अरे सनेहिया कबर से बदरी, अरे राम सनेहिया कबर से बदरी, तो
के दोनों एक हो गए दिलवा में वो छैया अरे वो छैया अरे वो छैया। देखे बाबूजी अश्विनी कुमार यादव अपने दुल्हन को लेकर के आते हैं जब घर पे, घर परिवार जब देखलस ये बाबू देखलस कलस की दुल्हन तो बहुत खूबसूरत है, पूरा परिवार प्यार दुलार देवे लगल। जब प्यार दुलार देवे लगल तो दुल्हन भी खुश हो गई कि बहुत अच्छा घर परिवार मिलल बा हमके। खुशी में सब लोग अपन जिंदगी व्यतीत करत बा। तो यहाँ धीरे धीरे कुछ दिन का समय व्यतीत भइल तो विदेशिया के लाइन में कहना भिखारी ठाकुर जी गावे विदेशिया के कि अरे करत किलोल प्यार अरे बीतल कुछ दिनावा हो अरे झूमी उठल खुशिया में अश्वनी भावनावा त पीरा अंशु देवी सहली ए बाबू बेटी के जन्म दिहली हर नाम आए सपड़ल मगन सब कर मनावा अरे धीरे धीरे बीतला समय सनहिया से अरे पवले अनसुया सोनी जी पुत्रा राता नावा अरे बेटा बा के नामवा आदित्य धराई गईले अरे डॉक्टर बनी है दोनों साजे अश्वनी सपनावा। देखे बाबूजी कुछ दिन के बाद माली गुहार को सुन गए और एक ठे बिटिया के जन्म भइल। जब एक ठे बिटिया के जन्म भइले बाबू तो वह बिटिया के नाम आयशा रखायल, वो बिटिया के नाम आयशा रखा गईल। धीरे धीरे कुछ दिन का समय और व्यतीत भइल, मालिक खुश भइलन, एक ठे लड़का का भी जन्म हो गई। जब लड़का का जन्म भइल तो अश्वनी दोनों पति पत्नी बैठ के अपने में बतियावत हुवन, सोचत हुवन कि देखा हमनी का मुराद पूरा हो गई, एगो बिटिया एगो बेटवा हो गईलन। अभी दोनों बिटिया बेटवा के पढ़ा लिखा करके और डॉक्टर बनावल जाई। देखे सपना कितना अच्छा बा ये बाबू, सपना सजावत हुवन अपने मन में। लेकिन यहाँ भी राम है गीत का लाइन है मोही दगा दे के अरे भागल रे निरमोही दगा दे के। लेकिन कहना है कि अरे होला वो है, अरे होला वो है जवन चाहे वो सही ओढ़ना अरे माया वो कर ओढ़ना बिछौना बा माया वो कर। देखे बाबूजी अश्वनी कुमार यादव छुट्टी को बिता करके और ड्यूटी पर जब चल दिए तो ड्यूटी पर जब गईलन बाबू कुछ दिन ड्यूटी कैलन। लेकिन धीरे धीरे भइल का कहना है
अरे 2020 रहल मई के महीनवा अब भारत में घुसल आतंक दुश्मनावा अश्वनी कुमार यादव छुट्टी को बिता करके और चल दिए अपने ड्यूटी पर। जब ड्यूटी पर गए ने बाबू तो धीरे धीरे कुछ दिन का समय बीतल। जब समय बीतल हो भैया 2020 3 मई का घटना का भइल हिंदुस्तान के धरती पर जम्मू कश्मीर के हंतवाड़ा में आतंकवादी प्रवेश कर दिए। जब आतंकवादी घुस गए तो सूचना मिलल हमारे देश के नौजवान अश्वनी कुमार यादव के। जब सूचना मिलल तो भाईल का यहाँ बिहार में गीत चलाई है। जब सूचना पोलो तो भइल का कि अरे पवले सूचनावा हरी ले हथेली जनावाना हरी हंदवाड़ा घेरे कास हंदवाड़ा घेरे कास मीरा दारा नवाना हरी पवले सुचनवाना हरी ले हदे हंदवाड़ा घेरे अरे 2020 तीन मई रविवार रहले आ दोनों तरफ से होत वार पवार रहले बच के नाम उदैया भागे बच के नाम उदैया भागे देखे बाबूजी 3 मई 2020 मई के महीना में आतंकवादी घुस गए और सूचना के पौते अश्वनी कुमार यादव अपने सीआरपीएफ की टीम लेकर के चल दिए। जब टीम को लेकर के चल दिए घेराबंदी कर दिए। जब घेराबंदी कर लेने बाबू दोनों तरफ से गोली चले लगल। दोनों तरफ से जब गोली चले लगल तो भइल का यहाँ बिरहा में गीत गलाइन है रामदेव उस्ताद वाली गीत लगल। Oh,
बड़ी मचल के गांव अपने जवानी के आलम में कि अरे पिया परदेसिया अरे उड़ी उड़ी जल चरिया। लेकिन हमारे नौजवान चल दिए तो कहना है वो समय का भाव लगल मास्टर कैसे अरे हिम्मत ना सारे आतंकी दुश्मनावा अरे भैया शहीद पांच भारत के जवनावा अरे देशवा के जवानावा। देखे बाबू दुश्मनों से लड़ते लड़ते हमारे देश के पांच नौजवान मारे गए, जौने में अश्वनी कुमार यादव भी मारा गया। जब मारल गए ने बाबू तब तो मरला से पहले अपने दुल्हन को फोन किए थे कि मैं घर पे जाऊंगा, रूम पे जाऊंगा तो बात करूंगा। दुल्हनिया वही फोन के इंतजार में भी आई है बाबू, फोन के इंतजार करती है कि हमारे सैया जी के फोन आई, मोबाइलिया हथवा में लेके कबो छतवा पर जाए कबो नीचवा आवे, उके चैन ना बाए बाबू। तब तक 6:30 बजे फोन आई, मोबाइल की घंटी बज गई। जब मोबाइल की घंटी बजल तो घर से आवाज आई, बहुत दुखित भाव से आवाज आती है, हेलो हाँ कौन? बताती है कि मैं अंशु देवी बोल रही हूं, कलन की आप अपने किसी घर के सदस्य को फोन दीजिए। सदस्य के रूप में है बाबू उनकर छुटका भाई मुलायम यादव, ये बाबू नीचवा रहलन, ले जा करके अंशु देवी अपने देवर के फोन थमा दिली। जब फोन थमौली तो बोलन कि हाँ जी बोलिए, तो वर से आवाज आई कि भैया बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके बड़े भैया अश्वनी कुमार यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे, दुश्मनों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। जब इतना खबर के पोलन ही बाबू करेजा फाट गई, मोबाइलिया अथवा से छूट के धरतिया पर गिर गिल हो बाबू, रोवे लगलन चारों तरफ, पूरा परिवार दौड़ के जुट गई। का भइल जब ई खबर बतौलन तो वो समय परिवार का हालत बहुत नाजुक हो गई बाबू। जब हालात नाजुक भइल टोला मोहल्ला के लोग जुट गइलन, जब टोला मोहल्ला के लोग जुट गइलन तो वो समय का भाव लगल, पूरा लोगन से अंशु देवी रो रो के कहे लगली, का कहली एक लाइन कहना है सोठी में भाव लगल मास्टर कि अरे अंशु दुल्हनिया रोवे पीटी पीटी छातिया, अरे पीटी पीटी छातिया
दूलहिनिया रोवे पीटी पीटी छातिया अरे पीटी पीटी छातिया हो किया हो रामारे सैया सनैया गैला तो वनसु देवी पूरे गांव के लोगों के सामने एक और बात कहती हैं। पार के लगाई बोरा जीनी गी के नाई आया रे जीनी गी के नाई आ हो किया हो रमारे अरे गैला याद जलावा में छोड़ दिए राम रमारे गैला याद जलावा में देखे बाबूजी एक बात और कहती है अंशु देवी का कहलिन आया साया दीत्या के बनाई अब के डॉक्टर बनाई अब के डॉक्टर हो आया साया दीत्या के बनाई अब के डॉक्टर बनाई अब के डॉक्टर हो किया हो रमारे सबई से गैला मुँह मोड़ दुए देवी कहने लगी है बाबू कि अब ये सपना की के पूरा करी हो मालिक हमर सैया जी हमके छोड़ के चल गयलन उनकर सपना रहे कि हम अपने दोनों बेटवा और बिटिया के पढ़ा लिखा के और डॉक्टर बनाई आज अधिजल में हमके छोड़ के चल गयला अब हमार जिंदगी के परवरिश के करी देखे बाबूजी हर दोनों भाई तड़प तड़प के रोत हुन अपने भैया के याद में कि आज हमने के भैया हमने के साथ छोड़ के चल गेलन बाबूजी के मोले के बाद भैया के चेहरावा देख के अब बाबू के गम कबो बर्दाश्त बाबू के गम मोले के गम भुला गेली जा लेकिन आज तू ताजा कर दिला भैया दोनों भाई रोत हुन सारे गांव के लोग रो दिए बाबूजी इस दुख को देख करके तमाम लोग जुट गए और जुट करके सांत्वना देते हैं कि मत रो जो होने वाला है वो हो गया अब मालिक यह मंजूर रहे तब मालिक आगे किकर चली चुप रहा बेटी अब तू मत रोआ अरे पूरे गांव के लोग तो हम लोग के साथ हुआ ना है दुगो बेटा बिटिया हुआ इन्हें के बढ़िया से परवरिश करा तो हर जिंदगी निभ जाई देखे बाबू ये रात बीत गई धीरे धीरे सुबह हो गई पूरे लोग गांव टोला मोहल्ला के लोग जुट गए बड़े बड़े नेता और मंत्री भी आए थे अश्वनी यादव की लाश देखने के लिए
लाश के इंतजार करते हो कि अब लाश कब आई, तो यहाँ विराम में पपट के लाइन मास्टर। अरे पार्थिव शरीर कब आई भवनवा मनवा मानेना, अरे पार्थिव शरीर कब आई भवनवा मनवा मानेना, अच्छा है ला सब अंतिम दर्शन। अरे 5 मई तक लाश न आइल, खराब मौसम जान हो। अरे 6 मई को लेके लाश भरलस जहाज उड़ान हो। अरे बाबतपुर जब बाबतपुर पहुंचल बुधवार के दिनवा मनवा मानेना, आ स्वागत में बरसे सब कर नयनवा मनवा मानेना। देखे बाबूजी 5 मई को लाश आने वाली थी, लेकिन खराब मौसम जान करके लाश नहीं आई, 6 मई को लाश आती है। 6 मई के लाश दिन में 11 बजे दरवाजे पर लाश पहुंचल है बाबू। जब लसिया पहुंचल हुई जे तो गजब हो गई हो बाबू, तमाम लोगों की भीड़ लगा हुआ है, हमारे पुलिस प्रशासन भी जुटे हैं, लोगों को सांत्वना दे रहे हैं और कहते हैं कि देखिए भाई आप लोग अलग अलग स्थानों पर बैठ जाइए, कहे से कि आजकल पूरे विश्व में कोरोना का हाहाकार मचल बा, जब लाश आ जाएगी तो सबको बारी बारी से दिखा दूंगा। जब इतना बात कहना लेकिन लोग माने कहें कि घाम हुई तेरे तपत भये बाबू, लेकिन लोग कुछ ना समझत हुए। जब कुछ ना समझलन लाश आ गई दरवाजे पर, आ करके जब ताबूत खोल के लाश दिखावल गई, अंशु देवी जब अपने सैया के लसिया के दिखली ये बाबू, धरतिया पर गिर गईली पछाड़ा खा के दोनों बचौआ समरवा हुआ सब। जब अपने माई के रुवत दिखला दोनों बच्चा, दोनों बचौआ रोए लगल ये बाबू, वहां का भाव बहुत विचित्र भाव, वो समय का भाव बाबू जिस समय वह दुल्हन अपने पति के लाश पर गिर कर के रोती है, पूरे लोग देख करके और उस पत्नी के दर्द को रो दिए। तभी राह में आल्हा के लाइन में कहना है मास्टर कैसे। भा
लसिया देखा तसावा रोवे दुखा माला, अश्वनी कुमार यादव के शव देखने के लिए तमाम मंत्री और विधायक वहां उपस्थित हुए थे, जौना में कि ओम प्रकाश आर्य जिला अधिकारी, पुलिस अधिकारी ओपी सिंह और सपा के विधायक वीरेंद्र यादव, विजय कुमार पूर्व विधायक, राजेंद्र यादव और शिवतुल्ला अंसारी जी, सब लोग दुख व्यक्त किए। दुख व्यक्त करने के बाद अब धीरे धीरे लाश उठा करके और शमशान घाट की ओर लेकर के चल दिए। तो आखिरी लाइन में खड़ी में कहना है, अरे जाकर बंसना, अरे जाकर बंसना, दूसरा बदन काहे रोई है, ये बाबू जाकर बंसना, दूसरा बदन काहे रोई होई है। कोई ना जानल सकने ता निरमोही होई है। अरे देश में कोरोना से भारी हाहाकार हो, बिना रोग मरे कितने मजदूर लाचार हो, अरे कैसे पहिया जो घर के सदस्य खोई है, अरे कैसे पहिया जो घर के सदस्य खोई है, तो कोई ना जानल सकने ता निरमोही होई। विरह को आप लोग सुन करके अपना प्यार दुलार और आशीर्वाद जरूर दीजिएगा, और उजाला फिल्म्स चैनल को
आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आखिरी लाइन में कहना है, गुरु गणेश गुरु राम लाल गए स्वर्ग में बच्चन पावन, रामदेव चंद्र का कवि पुजारी राम खेलावन हो। ऐसा नहीं आके बरसे बदरी, अरे ऐसा नहीं आके बरसे बदरी, तो चंदन रामा कभी कहती हाँ दरस हरी कही आ।